दूजा इस साल और अगला साल है और असि कटिया कि जेडे गुरुद्वारे और सरकारी हो लिखिया ही गया हालात कि जिदा हम कही जाते बंद कर दो कोविड आ गया कोविड आ लंगर भी चलने समान भी खरीदना बिजली के बिल भी देने वो चीजा का जो 625 करोड़ यदा मतलब इन घाटे का बजट ता देंगे कि जोड़ा साढ़े को पैसा पिया हों उस बजट में जो 5 करोड़ छुपा के खर्च कर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सालाना बजट इजलास च 912,59,26,000 रुपए का बजट पास किया गया है। बीबी जगीर कौर की प्रधानगी हेठ बजट इजलास तेजा सिंह समुद्री हाल में होया। बजट 40,66,00,000 रुपए घाटे वाला है। श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्तर एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने बजट पेश किया। इजलास वालों मता पास करके खेती कानूनों का विरोध भी किया गया तो संघर्ष दौरान मारे गए किसानों श्रद्धांजलि भी दी गई। बजट इजलास बरगाड़ी कांड की भी निंदा करदिया परमात्मा अगे दोषियों खिलाफ कार्रवाई की अर्जी की गई है। इस मौके बीबी जगीर कौर ने इस सारे बजट इजलास बारे पत्रकारों को जानकारी दी है। सैशन अपनी हाजिरी भी भरी है तो सी गल जी है सारे वर्ल्ड पहुँचाने वास्ते सामने शामिल हुए क्योंकि हर साल जड़ा बजट है वह पेश किया जाता है। 2021-22 का बजट जड़ा वो आज पेश किया गया। मैं थोड़ी जी थानू झात मरवानी चाहनी है कि बजट जड़ा हुंदा गुरुद्वारियां दी आमदन की है गुरुद्वारियां दे खर्च की है कालजां दी आमदन की है स्कूलां दी आमदन की है उन्हां दा खर्च की है उहदा लेखा जोखा किया जाता है। इस गल दी भी सारियां नूं तसली होनी चाहिए है कि साड़ी जिहड़ी आमदन है वह केवल संगतां ते निर्भर करती है। संगत आके मत्था टेकदी है संगत आके चढ़ावा चढ़ाउंदी है जिहड़ी चढ़ी चढ़त अते जिहड़ा टेकिया मत्था हुंदा असी उसका लेखा जोखा करते हैं कि इस साल सानूं इन्ने पैसे गुरुद्वारियां विच आउण दी आस है ते जिहड़ी साड़ी जमीन जायदाद हुंदी है उहदा भी लेखा जोखा हुंदा कि सानूं कोई जमीन तो किन्ना ठेका आएगा कोई दुकाना ने उहदी किन्नी आमदन आएगी वह सारा जिहड़ा वह आमदन के पक्ष ते गिणिया जांदा है। हुण पिछले साल क्योंकि जे संगत वध गिनती च आ जाए जे संगत वध गिनती च मत्था टेके श्रद्धा ज़्यादा अर्पण करे तो फिर आमदन वध भी सकती है जो असी अनुमान लाने हैं वो तो आमदन वध भी सकती है। तो जे संगत घट आवे संगत की आमद घट हो मत्था घट टेकया गया हो चढ़त घट आवे तो फिर आमदन जी घट जाती है। पिछले साल जी सी वो पहला अनुमानित बजट रखा गया सी 711 करोड़ का 711 करोड़ का बजट रखा सी भी इस साल 711 करोड़ रुपये गुरुद्वारों तो आने की सानू आस है। फिर जो करोना का समा आ गया फिर सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया कि सानू 483 करोड़ आ सकता है इस तो वध नहीं आ सकता पर होया कि 483 करोड़ की बजाय भी 478 करोड़ रह गया 5 करोड़ फिर कट गया क्योंकि यह नहीं पता कि करोना की इन्नी संगत उत्ते दहशत इन्ना पैनिक होना कि संगत घट गिनती चाहेगी। दूसरी गल कि श्री दरबार साहब वर्गे स्थान श्री केसगढ़ साहब वर्गे स्थान जिहड़े सी जिथों बाहरों संगत आउंदियां सी विदेशों चो वो नहीं आ सकियां पिछले साल बिल्कुल आ नहीं सकियां बाहरलियां स्टेटां चो नहीं आ सकियां सिर्फ लोकल लोकल संगत जिहड़ी हुण भी शुरू होई सी वो भी लोकल संगत सी। सो जिहदे करके तुसी हैरान होवोगे कि सानू जिहड़ा सी तकरीबन 233 करोड़ रुपया अनुमान तो घट जिहड़े सी वो आमदन गुरुद्वारे च आई 233 करोड़ रुपया पर क्योंकि गुरुद्वारे जिहड़े है उन्होंने खर्च नहीं कटाए जा सकते थोड़ा बहुत फर्क पै सकता कि लंगरों का फर्क पै सकता भी संगत घट आ जाए तो पर COVID-19 करके सानू लंगरों का खर्च भी वधाउणा पिया बाहर संगतां दी सेवा करनी पई सारे इलाकों जा जाके उत्थे सेवा बननी पई वो भी जिहड़ा सी खर्च साडा वधिया लंगरों के खर्च भी वधे बिजली के खर्च असीं देने ही हुंदे तनखाहां असीं देनियां हुईआं गुरु घर के जिहड़े सुधार के कार्ज करने होंगे
ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਸੀ 359 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 359 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਰਚ ਹੋਇਆ 388 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 399 ਕਰੋੜ 368 ਕਰੋੜ 98,58,956,906 ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 399 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਖਰਚੇ ਦਾ 359 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ 399 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 29 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਕਫਾ ਆ ਗਿਆ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ 29 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 176 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ 23 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਏਗੀ 177 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ 154 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 577 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ 604 ਕਰੋੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।